Make your point on the News Hour. Join Arnab every night on the News Hour with your question. Ask your question and join the debate. The youth has the right to know that drugs are a menace. They have a right to know कि उनके जीवन के साथ क्या हो सकता है अगर वो ड्रग्स में जाते हैं. फिर वो पंजाब का यूथ अरे सब बेबुनियाद है, सब बकवास है. उस आरोप को बस कम्प्लीटली कंडेम करता हूँ और वो आपको बोल चुके हैं. पूरी इंडस्ट्री जो है आपके सामने खड़ी होकर बोल सकते हैं. प्लीज लेट मी फर्स्ट गेट टू सी द लेटर. लेट मी फर्स्ट हैव द फुल इन्फॉर्मेशन. डू यू वांट प्रॉपर ऑनेस्ट न्यूज? ऑफ कोर्स आई डू. सो कैन आई गो थ्रू दैट? आई हैव सम अदर क्वेश्चन. आई एम सेइंग दैट अगर सेंसर बोर्ड अपनी चीज पे अटका रहा तो क्या आप भी अटके रहेंगे उसी पे? गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं. चार डिफरेंट स्टेजेस हैं. हाँ, अभी हम दूसरी पार किए हैं, हम तीसरी पे जा रहे हैं. एक के बाद एक देखते ना क्या होता है. अरे आपका सवाल का जवाब मैं 10 बार दे चुका हूँ. आप क्यों जबरदस्ती? प्लीज लेट मी फर्स्ट गेट फुल इन्फॉर्मेशन. सुन गई है ट्राइब्यूनल में जो अपना विक्रम भट्ट की लास्ट फिल्म बनी थी हमारे लिए लव गेम्स. तो हमने तो बार बार ये हमारी जिंदगी में तो ये जब मैंने सफर शुरू किया था 1973 से और जब हमने एज अ डायरेक्टर अपना सफर खत्म किया था 1998 में, सेंसरशिप से हमारा कन्फ्रंटेशन ही हुआ. बहुत कुछ बदलने के बाद कुछ नहीं बदला मेरे भाई. इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा. ये आज की गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. ये पहले से जब से आजादी हुई है पहले यूपीए गवर्नमेंट की सेम हो रहा था. अभी भी मगर अभी लिमिट से ज्यादा हो रहा है. नहीं, मैं पॉलिटिकली इस पर जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये फिर अपना ऑपोजिशन फायदा उठाएगी. ये वो गंद में नहीं जाना चाहता हूँ. पॉलिटिक्स मतलब गंद. मैं हम लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री ए पॉलिटिकल है. हम हमारी फिल्मों की बात करते हैं, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं. हमारी आजादी को रोक नहीं लगाए. हमारी यही उनसे रिक्वेस्ट है. बट साहब आपको लगता नहीं कि वो कुर्सी ही ऐसी है कि जो भी आपके बीच से निकलकर वहां बैठता है आपके बीच का ही होता है लेकिन इस तरीके के डिसीजन? हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो माउथपीस होते हैं, जो उनके दबाव में आके उनकी बात ही करते हैं. तो एक कहावत, एक बाइबल में एक बहुत अच्छी लाइन है, गॉड सेव मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड आई शैल टेक केयर ऑफ द एनिमीज. सर हमारे से अपनों से बचा के रखे, दुश्मन तो बहुत दूर की बात है. सर आप जैसे आप सब ऊपर कह रहे थे कि सेंसर बोर्ड सिर्फ सेंसर के लिए नहीं बल्कि सर्टिफिकेशन के लिए, ये जो है ये आप प्लीज आम दर्शक को प्लीज अच्छे से समझा सकेंगे कि वो बेसिकली है किस लिए और सर्टिफिकेशन के लिए है कहीं उनको हक है कि हटाने के लिए? आज माध्यम इंटरनेट का हो गया है. अब एक कम बंद थिएटर में जहाँ एक दरबार खड़ा रहता है, जो अगर एडल्ट पिक्चर है तो कोई बच्चा जा तो नहीं सकता. अगर मैं आज एडल्ट हूँ, आज मेरी उम्र 60 साल के ऊपर है, मैं एक एडल्ट फिल्म देखना चाहता हूँ, मेरे को हक है कि नहीं? जब आपको सूट करता है गवर्नमेंट को तो 18 साल का युवक एडल्ट हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, उसको इतनी समझ होती है कि कौन सी गवर्नमेंट को पावर में लाना. मगर मैं 60 साल का हूँ, मुझे इतनी समझ नहीं है कि मुझे कौन सी पिक्चर देखनी. क्या कौन सी जमाने की बात कर रहे हो आप? मैंने यहाँ पे बहुत कुछ आरोप लगा रहे, वेरिफिकेशन करे, क्या कुछ कहने से यहाँ पे मैंने कहा कि पैसे भी लिए अनुराग कश्यप के. ये इतनी घिनौनी बात वो ही कर सकते हैं? उनकी सोच वैसी है, हमारी सोच ऐसी नहीं. हमने कभी ऐसा कहा किसी के बारे में कि आपने पैसे लिए? ये घिनौनी सोच घिनौनी आदमी कर सकता है. ये सवाल उनको पूछो कि इतनी घिनौनी सोच कहाँ से लाई आपने? बहुत सारी डेट में इश्यूज हो चुके हैं अभी. मतलब आपको लगता है कि अब ये फिल्म रिलीज के लिए भी आगे बढ़ सकती है अगर इस तरीके से? हम कोशिश करें कि नहीं बढ़े क्योंकि प्रोड्यूसर का बहुत पैसा लग चुका है, वो ब्याज दे रहा है, वो मर जाएगा बेचारा अगर उसकी पीछे जल्द से जल्द रिलीज नहीं होगी. हमको हमारी कोशिश होगी कि हम दरवाजा खटखटाएं एफकार्ड का, और अगर ना हो तो फिर जुडिशरी का, क्योंकि वो उसी पे हमारी पूरी उम्मीद है, हमारी जुडिशरी सिस्टम पे सर, जहां हमें लगता है कि हमें इंसाफ मिलेगा. सर अनुराग ने अभी कहा जैसे कि दो साल. अरे यार मैं रात को यहीं रह जाता हूँ, सुबह तक लगे रहो. ये लास्ट क्वेश्चन है. ट्रिब्यूनल में कई फिल्में पिछले दो साल में हैं, उसकी संख्या बढ़ चुकी है, तो आपकी नजर कौन सी? 500 गुना हो गई है, 500 गुना बढ़ चुकी है. अभी उसकी लिस्ट में दूंगा तो 4 दिन लग जाएंगे मुझे. मुझे पता है कि हर हफ्ते, पहले एक फिल्म जाती थी 6 महीने में, आज हर हफ्ते.
मुटगुरिल कमीशन, वेमेन वेलफेयर बोर्ड, चिल्ड्रन वेलफेयर बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, हेल्थ मिनिस्ट्री, एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सोशल फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री एंड द चेंजेस दैट हैव हैपेंड एंड वी मेड आर रिपोर्ट एंड गिवन द रिकमेंडेशन. So I feel that there's no place for censorship, as in there's no place for scissors. Mm-hmm. You cannot have scissors. Right, but what you need to do is protect, especially the children of this country, mm-hmm. through towards undue violence, right. abuse, sex abuse, or drugs. Mm-hmm. That you need to protect the kids. So rather than censoring, you have to rate a film. You can say, yeah. okay, let 18 plus watch it. Right. But you cannot suggest, and I'm not talking in context of Uttar Punjab. I'm talking in context of this. The whole censor thing has been ailing us for the last 40 years. So right. it needs serious kind of reforms, and that's what we've been doing. So I'm not talking, you're doing something about it. You being the filmmaker, you're on the both sides. You being a filmmaker as well, you're on the censor committee as well, as you just said. So how does it feel when a movie gets cut? Anurag Kashyap said it's a murder, it's your child. And do you think the censor board has demanded 90 cuts? So how right or wrong is it? What do you feel? I've gone through it personally during Rande Basanti. We finally, the film had to be shown to the defense minister of the country, the air chief marshal, the head of army, the head of navy, and they gave their precious time to, but we refused. If you believe in something, you should not accept